और हमसे अगर गलती हो रही, हम अगर गलत कर रहे हैं तो बट नेचुरल है अगर हम गलती करेंगे तो टीम गलती तो करेगी नहीं, वो तो पीएचडी करके बैठी है। अगर उसको बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलोगे साहब टीम कैसे बदलेगी, जब आप बदलोगे तब टीम बदलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं नहीं बदलूंगा टीम बदल जाए, और इसलिए वो क्या करते हैं टीम को रेगुलर कोशिश करते हैं बदलने के लिए, ट्रेनिंग में बैठाते हैं, मीटिंग में बैठाते हैं, प्रोग्राम में ले जाते हैं, हर वो काम अपलाइन की बात मांगे करते हैं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे साहब, इनको बदल दो। और ये बिजनेस किसका है, बिजनेस किसका है ना, बताता हूं प्रकर। ये क्या रखा है, ईमानदारी से बोलना, इस बॉटल के पीछे क्या दिख रहा है, ये बॉटल के पीछे दिख रहा है कि नहीं, और अगर नहीं दिख रहा है तो अब एक क्लियर दिख रहा है, और अगर इसके पीछे कुछ लगा तो कुछ डार्कनेस दिखा, नहीं माइक दिखा तो ऐसा कुछ दिखता है, कुछ काला काला सा कुछ है, कोई डंडा है कुछ है, ये कैसे मैं डिसाइड करूं कि माइक है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आप कुछ भी करो ये शीशे का मकान है जो छिपता नहीं है, सब दिख जाता है। कितनी भी बुद्धि लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, टीम आपसे नहीं कहती जिसका मतलब नहीं टीम मूर्ख है। अपलाइन आपको रिप्लाई नहीं देता जिसका मतलब नहीं है वो सेंसलेस है। सब समझता है, सब जानता है, लेकिन वो आपको बोलता नहीं है और आप खुद को इंटेलिजेंट मानते हो, मैं दिमाग से खेल रहा हूं। एक्चुअली आप अपलाइन के साथ नहीं खेल रहे हो और आप डाउनलाइन के साथ भी नहीं खेल रहे हो। किसके साथ खेल रहे हो आप, जो एक तमाशा बना के खेल रहे हो ना, आप खुद के साथ खेल रहे हो। इसके जिम्मेदार अगर आप जीतेंगे तो श्रेय आपको ही जाना है, और अगर आप हारेंगे तो श्रेय भी आपको जाना है, तीसरे को नहीं जाना है। ये दिमाग में एकदम सेट कर लो। इसलिए बी कमिटेड, आप अगर इस प्रोफेशन में आए हैं तो आपको कमिटमेंट के साथ जिंदगी जीना पड़ेगा। आपने जिससे जो बोल दिया, चाहे जितना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ जाए, तो आप जो कहेंगे आप वही करेंगे। आपकी कथनी और आपकी करनी में समता होनी चाहिए, यानी जुबान में आपकी पक्कापन होना चाहिए कि लोग आप पर विश्वास करें कि अगर विनय जी ने कह दिया, जीत जी ने कह दिया, तो ये पत्थर की लकीर है। ये एटीट्यूड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, उनके लीडर उनसे कुछ कहता है तो टीमें अपने अपलाइन पर विश्वास ही नहीं करती। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस टीम लीडर में छिछोरापन है, क्योंकि उसकी कथनी करने में क्षमता नहीं है, और वो ये चाहता है कि टीम हम पर विश्वास करे। टीम आप पर विश्वास कब करेगा, जब आपकी कथनी और करनी में क्षमता होगी, जब आप कुछ भी अपनी टीम से बोलो उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े आप कीमत अदा करके हर हद से गुजर जाओ, लेकिन अपनी जुबान पे कायम रहो। देखो आपकी टीम आपके लिए जान देती है कि नहीं, लेकिन टीम से आप उम्मीद करते हो कि टीम ये जो कहे वो करे, और आप जो कहो वो भूल जाओ, क्योंकि आप भी तो किसी की टीम हो, आप भी तो किसी की अपलाइन हो, किसी की डाउनलाइन हो, कहीं ना कहीं सिस्टम तो सबके लिए जैसा है ना। तो आपकी कथनी और आपकी करनी में क्षमता नहीं है, बी कमिटेड। आप कमिटेड नहीं हो अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने पर्पज के प्रति, अपने व्हाई के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति आपका कमिटमेंट वीक है। क्या है कमिटमेंट आपका, वीक है। कैसा वीक है, जब जैसा तब तैसा, और ऐसा नहीं तो मर्द कैसा। मतलब अगर आज मैं फंस गया तो गधे को मामा बना लो, निकल गया तो गधे को लात मार दो। तो आपका कोई करैक्टर है, हेलो। और ऐसे लोग
भरोसेमंद हो सकते हैं? ऐसे लोग विश्वसनीयता क्रिएट कर सकते हैं जो गिरगिट की तरह हर मौसम में रंग बदलते रहेंगे। धंधा बहुत अच्छा गया, बहुत एक्साइटेड, और धंधा बिल्कुल खत्म हो गया तो उनका जोश ही ठंडा पड़ गया। तो ये कौन लोग हैं? हेल्प मी, इनका जो बिहेवियर है गिरगिट जैसा है, मतलब ये पल पल अपने रंग को बदलते हैं और ये पैसे से मोटिवेट और पॉजिटिव निगेटिव होते रहते, धंधे से पॉजिटिव निगेटिव होते रहते हैं। आप मुझे बताइए, जब जीवन में आप लाइफ में एक फिल्म बनाते हैं, 3 घंटे की मूवी बनती है, कितने साल लगते हैं साहब? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 12 साल। लेकिन जो मूवी जैसे एक्सपेंसिव होती है, जितना खर्च होता है उतना उसका डिमांड भी होता है, उतना उसका पब्लिसिटी भी होती है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि जब कोई मूवी बनती है तो मूवी बनते टाइम क्या लगता है उस डायरेक्टर को? अप्स डाउन की जिंदगी फेस नहीं करनी पड़ती? फाइनेंसर को पता चला हीरोइन नाराज हो गई, कभी हीरो नाराज हो गया, कभी खलनायक नहीं आया, लेकिन वो अपने पेशेंस को बनाकर और अपने एक्साइटमेंट को डाउन होने, अगर वो डाउन हो जाए तो क्या होगा? मूवी बन पाएगी? मूवी कभी नहीं रिलीज हो पाएगी सर, फ्लॉप तो बाद में होगा, रिलीज ही नहीं हो पाएगी। तो आप अगर इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा, और जब आप कमिटमेंट के पक्के हो जाएंगे तो आप जिएंगे मरेंगे किसके लिए? कमिटमेंट के लिए, अपने वचन के लिए, अपनी जुबान के लिए। तो इसका पैसे से कोई लेना देना है नहीं, एटीट्यूड का पैसे से कोई लेना देना है नहीं, आपका वाई क्लियर होने से कोई लेना देना है? और अगर ये चीज आपका हो गया तो क्या होगा? आप अभी भी यूट्यूब पर डाल के देख सकते हो, या प्रोग्राम खत्म हो तो डाल सकते हो, एक डाल देना कमलेश पटेल, तो आपको पता चलेगा उसके दोनों पैर पैरालिसिस है और वो आपका इंडियन आइडल में उसने अपना डांस दिखाया, और किस पे डांस किया है? दो हाथ पे। आप कभी भी देख सकते हो। उसका कॉस्ट है, इलाहाबाद अगर उसको बुलाते हैं तो उसका कॉस्ट है 75,000 रुपए। ये वो बंदा है जिसको भगवान ने बचपन से ही उसका पूरा दोनों पैर छीन लिया, और उसने ये मन में डाला कि मैं डांसर बनूंगा। अब दोनों पैर गायब था, एटीट्यूड क्या बन गया? डांसर बनना है। और कहां जाना है डांसर बनके? इंडियन आइडल में जाना है, वहां अपनी जगह बनानी है, वहां अपना प्रदर्शन देना है सबके सामने। एटीट्यूड देखो साहब उसका, क्या गजब का एटीट्यूड है। पैर नहीं है, एटीट्यूड है। आपको मालूम है इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नृत्यांगना कौन है? सुधा चंद्रन नाम है। आज वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुधा चंद्रन का नाम है। और अगर एक ही पैर ना हो तो भी क्या डांस को उसमें, और वो भी नृत्य में, नृत्य मतलब समझते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जिसके दो पैर हैं और जिसके पास पैर ही नहीं। हेलो, ब्रूसली जानते हैं? ब्रूसली कौन है? मार्शल आर्ट का वर्ल्ड फेमस पर्सन। आपको पता है उसका पैर एक कितना था? कितना था? छोटा। मालूम है? 1.5 इंच छोटा। ये उसकी वीक पॉइंट है। वो सोच सकता था कि मैं मार्शल आर्ट में नहीं जा सकता, मैं इस पोजीशन में नहीं जा सकता, लेकिन अपने उस कमजोरी को उसने क्या कर लिया? ताकत बना लिया। मतलब जितने भी कामयाब लोग हुए हैं लाइफ में, सफल हुए हैं, उनकी जो वीकनेस थी, अपनी जो वीक पॉइंट था, उस वीक पॉइंट को उन्होंने इतना वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया, उसको उन्होंने अपना स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया, ताकत बना लिया, पावर बना लिया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहले क्या बदला? एटीट्यूड आना चाहिए। आपके अंदर आईटीसी बनने की भूता है, आप में डायमंड जाने का काबिलियत है, आप 2,10,000 हफ्ता पाने के योग्य हो। ये एटीट्यूड पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा साहब। ये देखने के पहले एटीट्यूड का होना जरूरी है, और आपका वाई क्लियर होना, तभी आप कीमत अदा करेंगे और तब आएगा कमिटमेंट। फिर आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए, देखिए कैसे अचीवमेंट नहीं होता। वाई डायरेक्ट सेलिंग पे ये भी बात चल रही है, वाई डायरेक्ट सेलिंग पे ही बात चल रही है अभी। और अब मैं आपको आता हूं वाई डायरेक्ट सेलिंग के मेन मुद्दे पर, जिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाई टू डू। फिर मैं वहीं पे आ गया कि भाई क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्या करेगा डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में, ये 4 पिलर को कैसे हम मेंटेन करके एस्टेब्लिश करते हैं,
और इस वाई को खत्म करके डॉलर में मनी में कैसे तब्दील करते हैं, हम रियाल में कैसे पैसे कमाते हैं, हम कैसे रिंगिट में पैसा कमाते हैं, हम कैसे बात में पैसा कमाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे गेन करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा डायरेक्ट सेलिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, ये जानना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी में सामान खरीद कर उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है, ये सबको पता है। दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम जाते हैं तो पहले क्या खरीदते हैं, हम सामान खरीदते हैं। तो अब आप समझना है कि उसके बाद जब कोई पर्सन आपके रेफरेंस से सामान खरीदेगा तो इसमें आपको कुछ कमीशन मिलेगा, यही प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग का। हर डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोसेस है। और इसके बाद क्या लिखा है, वो पर्सन भी आपका रेफरेंस में जुड़ जाता है, यानी स्टार्टअप करता है, फिर वो जब सेल करेगा तो उसके सेल से भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा। इस तरह से जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। हेलो, यानी हमारा बिजनेस कब बढ़ेगा, हमारा धंधा कब बढ़ेगा, बताइए। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग में आप अच्छा पैसा। अब हमारे पास अच्छी टीम कब बनेगी, जब हम एक अच्छा टीम बनेंगे। बनाने के पहले बनना, बिना बनाए, बिना बनाए आप बन सकते हैं, क्यों, चूंकि ये बिजनेस है शीशे का मकान, इसीलिए कहा जाता है डुप्लीकेशन सिस्टम काम करता है। डुप्लीकेशन मतलब कॉपीराइट बिजनेस, मतलब जो टीम आपको करते हुए देखेगी टीम आपके जैसा वैसे ही। आप क्या बताते हो, आज सर मुझे प्रॉब्लम है, मैं आ नहीं सकता मीटिंग में, ये समस्या है, तो टीम को मैसेज क्या आपने दे दिया कि बेटा जब समस्या आए तो मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, जब तकलीफ हो तो मीटिंग को छोड़ो और तकलीफ को झेलो। और इस तरह वो जिंदगी भर क्या करता है, वो तकलीफ की पीएचडी कर देता है। वो क्या करता है, समस्याएं आने पर, तकलीफें आने पर कंप्रोमाइज करता है, कंसीडर करता है वो। हेलो, वो क्या करता है, समस्या को अपने ऊपर हावी होने देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का अगर आप लीडर हो, अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग के सचमुच सच्चे लीडर हो, तो समस्या आप पर हावी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको समस्या पे हावी होना चाहिए। जब आप समस्या पे हावी होते हो तब समस्या आपसे डरती है सामने आने में, फेस करने में, और आप विजेता कहलाते हैं। और फिर आपकी कोई समस्या आएगी आपके पास चुटकियों में समाधान होगा, क्योंकि अब आप समस्या से घबराते नहीं हो, बल्कि समस्या पे आप हावी हो जाते हो, और आप उस नेचर को कहते हो, भगवान को भी कहते हो, भगवान डर गए क्या, और समस्या भेजो। हेलो, और जब आप उस समस्या से घबरा जाते हो तो भगवान आपको समस्या भेजता ही रहता है, भेजता ही रहता, रुकता नहीं है, भेजता ही रहेगा, उसके पास बल्क में समस्या है, भेजता ही रहेगा। आज माँ बीमार हो गई, तो आज बेटी बीमार हो गई, तो आज बहन बीमार हो गई, तो आज पिता बीमार हो गया, तो आज खेत में पानी लगा है, तो आज बुआई हो रही है, तो आज कटाई हो रही है, तो आज आलू की जो है बिनाई हो रही है, हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है। कारण, आप समस्या को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। और मैं आज आपको बता दूं कि मैंने जब अपनी जिंदगी में इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा पैसा कमाने का यह रहस्य मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी पूंजी, मेरा दौलत, मेरा पैसा, मेरी इनकम, मेरा कैरियर कौन है, टीम है। समझ पा रहे हैं आप? और हमारी अगर टीम है तो मैं अपनी टीम के लिए क्या करूंगा, बहाने नहीं बनाऊंगा, समस्याएं नहीं सुनाऊंगा, टाल मटोल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं वो करूंगा जिसमें हमारी टीम का फायदा है। जब हम अपने लिए जीते हैं तो समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और जब हम लोगों के लिए जीते हैं तो हम समस्याओं पे हावी हो जाते हैं। लेकिन समाज की 95% आबादी किसके लिए जीना चाहती है, और पूरी जिंदगी तमाशा बन के रह जाती है। तो सीक्रेट आप सक्सेस ये कहता है कि आपको शिखर पे जाना है, टॉप पे जाना है, तो स्वयं के लिए नहीं, टीम को जिताने के लिए फाइट करो, फिर आप देखो इतिहास रचोगे, तब आपकी बड़ी टीम खड़ी होगी, तब
तब आपके साथ एक बड़ा लोग, बड़ा नेटवर्क, बड़ा कारोबार आएगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का महत्व समझना बहुत जरूरी है। क्या है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर की सफलता में बहुत महत्व रखता है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैं पर्टिकुलर माय लाइफ स्टाइल की बात नहीं करता, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसके लिए महत्व रखती है? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट प्लान पॉलिसी में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर कंपनी का प्लान प्रोडक्ट में दम नहीं है तो बिजनेस में कोई काम करने का मतलब नहीं है। तो प्लान और प्रोडक्ट ही बड़ा पावरफुल होना चाहिए। इसलिए एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पहचान करना बेहद जरूरी है। आज मार्केट में ज्यादातर लोग मिलेंगे कि मैंने फला नेटवर्क कंपनी की थी, मैं फ्लॉप हो गया, मैं फला कंपनी किया था कुछ कर नहीं सका, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था कुछ हो नहीं सका। कारण बताइए, कारण क्या है? यहां पर देखिए, कारण है हम या तो पिरामिड स्कीम में चले गए, या हम किसी पोजी स्कीम जैसे कंपनियों में लालच में चले गए और उसमें फंस गए हम, और भारी नुकसान में झेलना पड़ा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं 17 साल से काम कर रहा हूं। कितने सालों से? 17 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और 17 साल में आज तक मैं कोई पोजी स्कीम में गया, मैं किसी लालच में फंसा? हेल्प मी यार, मैं किसी पिरामिड सिस्टम में काम किया? नहीं किया। कारण आप बताइए, इसी लाइन में लिखा है सब कुछ, क्योंकि मैंने एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पहचान किया था। और मैंने आपको बताया था कि मैंने 26,000 रुपए फूका इस कंपनी के मैनेजमेंट को समझने के लिए। कलकत्ता गया, मुंबई गया, चेन्नई गया, फिर सेटिस्फाई हुआ, देन स्टार्ट किया, और एक संकल्प लिया स्टार्ट करते ही, जब मैं 17 लाख कर्जे में था, शुरुआत करते ही कसम खाया था कि अब मैं प्रवीण चंदन जी के साथ ही जीऊंगा और उन्हीं के साथ, मतलब मेरी जिंदगी की पहली और अब आखिरी, अब और तो दामन इनका नहीं छोड़ूंगा किसी भी स्थिति, मतलब कितने भी चैलेंजेज आ जाए, खाने के लिए मरने लगूं, एक रुपए के लिए परेशान हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन एथिक्स फर्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब मैं ऑनेस्ट बना और मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज थी, आज मेरे सफलता का राज ये है, आज मेरी टीम में जो लोग एस्टेब्लिश्ड हैं, जो टीके काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम को कभी अनादर नहीं किया किसी भी, चूंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी ना कभी एक समस्या आती है, किसी कवि ने कहा है, या पाए और आए या खाए और आए, और यह सच है, ऐसे नहीं किसी ने लिख दिया, ऐसे एक सोच के साथ नहीं आया, ये बहुत रिसर्च है इस पे। अगर किसी ने लिखा कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय या खाए बोराय, ये सच्चाई है कि पैसा और दौलत और इज्जत और मान सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये हजम नहीं कर पाता। अगर उसको बहुत मान सम्मान इज्जत मिलना शुरू हो गया, उसकी पहचान बनना शुरू हो गई, तो क्या करता है? भाव खाने लगता है। अगर ज्यादा पैसा आने लगा उसके पास, तो क्या होता है? वो भाव खाता है। और मजे की बात क्या करता है वो जानते हैं? अगर आप उसको तब समझाओ कि ये मत करो, अभी तक जो समझाया आपने वो समझा, लेकिन आप समझाओ क्या कहेंगे मालूम है? आप नहीं समझते हैं सर, क्या बोलेगा? आप नहीं समझते, और बुद्धिमान आदमी आप है, इंटेलिजेंट है, और आप कभी मेंटर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? साइलेंट कर लेंगे, क्योंकि अगला इसने इतना बोला मतलब आप तुरंत साइलेंट कर लेंगे। क्यों? अब आप उसको नहीं समझे, चूंकि अगले क्या कह दिया, आप नहीं समझते। और इस प्रोफेशन में 95% मेरा 17 साल का तजुर्बा है कि लोग आने पे बोल ही देते हैं कि आप नहीं समझते। मतलब बेटा, मैं तब समझ रहा था जब तुम दूध पी रहे थे, जब मैंने तुम्हें पाल के बड़ा कर दिया, 22 साल का 25 साल का बना दिया, हाथ पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ा रहा, तुम्हारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग ला दी कि तुम सही और गलत का फर्क कर सको, और आज तुम ही मुझे रिप्लाई देते हो कि तुम समझ नहीं। अरे क्या कमाल की बात है, मतलब मैं ही ना समझूं, मतलब मैंने ही तुम्हें समझदार बनाया, और आप ही मुझे कहते हो कि आप नहीं समझते। तो मैं क्या करता हूं बेटा, तुम्हें वक्त समझाएगा। हम नहीं समझते ना, तुम समझते हो, अच्छी बात है। अब तुम्हें वक्त समझाए, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं होता वो मैं किसके ऊपर छोड़ देता हूं? प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, नेचर के ऊपर छोड़ दो, और वो नेचर सबको सिखाता है।
तो जिंदगी में आपको याद रखना है कि लाइफ में मैंने क्या सीखा, मेरी अपनी पॉलिसी क्या रही। एक अच्छी कंपनी चुनना, एक अच्छा मैनेजमेंट चुनना और अपने एथिक्स के साथ किसी भी स्थिति परिस्थिति में समझौता नहीं करना, छल पाखंड का कोई खेल नहीं खेलना। समझ पा रहे हैं?